फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लजीज रसोई। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है चीजी पास्ता। और ये है तो इटालियन, लेकिन मैं आपके सामने आज बनाऊंगी इसे इटालियन और इंडियन दोनों का मिक्सअप। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें। हाँ, तो इस पास्ता को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन मैरिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको हम लोग पेपर पाउडर और नमक के साथ मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। 15 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर व्हाइट सॉस बनाना है, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, बट हम लोग अभी घर पर बना के आपको दिखाएंगे कैसे बनता है वो। अब इसको हम लोग चिकन को मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ना है। देखिए, इसमें हमने नमक और पेपर पाउडर मिला दिया है। इसको अभी आप लोग छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमें अभी इधर व्हाइट सॉस बनाएंगे। अब हम लोग व्हाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस बनाने जा रहे हैं, व्हाइट सॉस, जिसके लिए हमें ये बटर है, ये बटर डालेंगे। इसके लिए हमने पैन पहले से गर्म कर रखा था और ये बटर गर्म होने के बाद हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। अब हम लोग ये 2-3 स्पून मैदा है जो कि हमने लिया है, इसको आप सीम पे भूनेंगे जब तक ये हल्का गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन हो जाए फिर इसमें हम लोग मिल्क ऐड करेंगे। ये गोल्डन हो चुका है, अब इसमें हम लोग मिल्क ऐड करेंगे, लेकिन आप याद रखें कि इसको सिम पे ही करें और इसमें गांठ ना होना चाहिए। इसको मिलाते रहिए, अच्छे से मिक्स करते रहिए। ऐसा गाढ़ा हो जाए तब इसमें हम लोग और ये मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने ये मैजिक क्यूब्स लिया है, चिकन मैजिक क्यूब्स। और इसमें ऐसे निकलते हैं ये छोटे छोटे, इसमें नमक होते हैं, इसको हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट करके फिर से, आप अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये गार्लिक चॉप्ड किया हुआ है, ये ऑर्गेनो, ये चिली फ्लेक्स, ये ऐड हो चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा देर छोड़ेंगे। देखिए, ये हमारा अभी हो चुका है। अगर आपका कभी लगे कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप दूध मिक्स करके उसको फिर से ऐसा बना सकते हैं। और आप ये सॉस को चाहें तो उबला हुआ जो रहता है पास्ता, उसमें बॉयल पास्ता में आप इसको मिक्स करके, बच्चों को बहुत पसंद आता है, उसको ब्रेकफास्ट में आप दे सकते हैं वैसे भी। लेकिन अभी हम आपको दूसरा पास्ता बता रहे हैं तो उसके लिए भी और प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा रेडी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए नीचे रखेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप आपको आगे बताते हैं। हम लोग चिकन को फ्राई करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये बटर है, ये बटर डालेंगे इसमें। और चिकन आप, ये मैरिनेट हमारा चिकन हो चुका है, चिकन आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो वाइट ना हो जाए, हल्का वाइट ना हो जाए, क्योंकि उसके आप 3-4 ही करना है फ्राई, क्योंकि ये एक बार वेजिटेबल के साथ भी ये पकता है, इसलिए इसको 3-4 फ्राई करें। और इसमें हम लोग देख सकते हैं बटर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोग चिकन डाल रहे हैं इसमें। ये चिकन पकने दें जब तक कि ये हल्का वाइट ना हो जाए। देखिए, हमारा चिकन ये रेडी हो गया है। ऐसा हो जाए तो आप लोग निकाल लीजिए इसको। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। उसके बाद इसमें हम लोग वेजिटेबल फ्राई करेंगे।
देखिए हमारा चिकन तो उसमें फ्राई हो गया था, अब ये उसी तेल में हम लोग ये नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। आपका वो बटर बर्बाद भी नहीं होगा, आपको वो यूज़ में आ जाएगा। अब हम बनाते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये गार्लिक डालना होगा इसमें। देखिए ये गार्लिक डालने के बाद इसमें हमें फिर इसमें आप 1.5 गार्लिक डाल सकते हैं, क्योंकि ये गार्लिक का फ्लेवर आता है तो अच्छा ये पास्ता में अच्छा खुशबू देता है गार्लिक। अब हम लोग इसमें ऑनियन मिक्स करेंगे, बारीक कटा हुआ 2 ऑनियन है मीडियम साइज़ का। इसको थोड़ा भूनने के मतलब 1 मिनट मिक्स करने के बाद हम लोग ग्रीन पीस इसमें ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें ग्रीन पीस डालना है। ये आप इसमें अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। अभी हम लोग इसमें अब जिंजर ऐड कर रहे हैं, जिंजर जो बारीक कटा हुआ है। अब इसको थोड़ा पकने के बाद और कुछ डालना है, अभी इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखें देखिए अब ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हम लोग ये कश्मीरी चिली पाउडर है जो कि हम लोग कलर के लिए यूज करेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। इसको इसको डालने के बाद अब हम लोग ये बारीक कटा हुआ ये कैरेट है, ये टोमेटो है एक, अगर आपको चाहे तो आप डालें या अगर नहीं पसंद हो तो आप नहीं भी डाल लेंगे टोमेटो तो चलेगा, क्योंकि ये हम अपनी पसंद की बात है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर डालें। ये कैप्सिकम है, ये हमारा थोड़ा अभी हो चुका है। अब इसमें हम लोग ये 3/4 चिकन पकाए थे, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें, और ये अच्छे से फिर इसमें पूरा पक जाएगा। इसके लिए हमें इसको पकाना है 2 से 3 मिनट। ये है हमारा पेपर पाउडर, ये चिकन क्यूब्स, मैजिक क्यूब्स है चिकन क्यूब्स, ये डालना है। इसमें सॉल्ट होता है, आप सॉल्ट पेस्ट करके डालें अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा ढक के पका दें 1 से 2 मिनट। ये अभी हम उसमें डालने के लिए ये 3 सॉस मिक्स करेंगे। ये है टोमेटो सॉस, ये है इसके बाद चिली सॉस है, ये है सोया सॉस। इसको हम मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है इसमें। इसको देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें हम लोग ये देखिए ऐड कर लेंगे। इसको फिर देखिए अच्छे से चला, अब हम लोग ये पास्ता जो ऑलरेडी बॉयल कर रखे थे पहले से, इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब ये हमारा हो चुका है, अब इसमें हम लोग देखिए ये जो सॉस था उसको ऐड करेंगे, वाइट सॉस। अब ये ब्रोकली है, इसको हम लोग डालेंगे, इसको फिर अच्छे से मिक्स करके इसको पकने दे थोड़ा देर 1 से 2 मिनट। ये ऑर्गेनो है,
ये आप चाहें तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी सेम टेस्ट देगा, बट थोड़ा हम इसमें ट्विस्ट डालेंगे। अभी इसमें अब हम चीज़ ऐड करेंगे, यह है मोज़रेला चीज़। और इसको एक मिनट के लिए पकने दें। रेडी हो चुका है, अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसको हम लेयरिंग करेंगे जिसमें, तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको हम उतार के नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग लेयरिंग करेंगे, उसके लिए हमने एक ये पैन लिया है, इसको चढ़ाया है, ये पॉट टाइप है, इसको इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें चीज़ डालेंगे। हमने इसको हेल्दी सोच के थोड़ा चीज़ कम लिया है, आपको अगर चीज़ी ज़्यादा खाना हो तो आप इसमें और भी एक्स्ट्रा मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। और इसको फिर अब ये जो पास्ता हमने रेडी कर रखा है इसको इसमें डालेंगे। फिर से इस पे चीज, फिर से ये पास्ता, और इसको ये डाल के दो मिनट पकाएं इसको, जब तक ये मेल्ट हो जाए, ये चीज़ जो है हमारा मेल्ट हो जाए, तब तक ये 2 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे ढक्कन डाल के, और बिल्कुल सिम पे ये पकना है। देखिए हमारा ये चीजी पास्ता, चीजी पिंक पास्ता रेडी है, अब इसको हम लोग सर्व कर सकते हैं।